हेलो बच्चों, लेट्स सी आवर क्वेश्चन. सो क्वेश्चन सेज लश्कोव इज अर्निंग 35 रूबल्स अ मंथ, हाउ इज ही ऑब्लाइज टू सरजी फॉर दिस. तो बच्चों, ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? हमारे चैप्टर द बेगर में से. अब देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो लश्कोव है वो 35 रूबल्स कमा रहे हैं एक महीने में, तो इसके लिए वो सरजी के लिए, सरजी पर कैसे ऑब्लाइज है, यानी सरजी के लिए आभारी कैसे हैं. ठीक है, तो ये हमें समझना है. आंसर क्या लिख सकते हैं हम? इफ लश्कोव हैड नॉट मेट सरजी, ही वुड हैव बीन बेगिंग. कि अगर लश्कोव सरजी से नहीं मिलते तो वो अभी भी भीख मांग रहा होता. इट वॉज सरजी हु कॉट हिज लाइस एंड गेव हिम वर्क सो दैट ही कुड अर्न मनी बाय अ रिस्पेक्टफुल जॉब. यानी कि वो सरजी ही थे जिन्होंने उसके झूठ को पकड़ा था और उन्हें काम दिया ताकि वो एक रिस्पेक्टफुल जॉब कर पैसा कमा सके. लश्कोव स्टार्टेड अर्निंग 35 रूबल्स अ मंथ बिकॉज ऑफ सरजीज रिकमेंडेशन लेटर फॉर हिज फ्रेंड हु गेव हिम सम कॉपिंग वर्क. अब यहाँ पर अगर हम लश्कोव की बात करते हैं कि वो 35 रूबल्स अगर एक महीने में कमा रहे हैं या कमाते हैं, तो वो भी सरजी के रिकमेंडेशन लेटर के कारण ही करते हैं, जो कि जो सरजी हैं वो लश्कोव को देते हैं ताकि वो उनका फ्रेंड जो है हमारे लश्कोव को कॉपिंग वर्क दे पाए. ठीक है, तो ये भी एक रिस्पेक्टफुल जॉब थी जो कि हमारे लश्कोव को सरजी के कारण ही मिल पाती है. फॉर ऑल दिस रीजंस लश्कोव वाज ऑब्लाइज टू सरजी. तो इन सब चीजों के लिए जो लश्कोव है सरजी के लिए ऑब्लाइज, सरजी को के लिए ऑब्लाइज, यानी उनके आभारी रहेंगे. तो बच्चों, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर. ऑल द बेस्ट.